एक नहीफ और आजार ऊंट को देखा। आपने उसके मालिक से फरमाया कि तेरा ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है। आपने फरमाया कि अपने ऊंट को ना सिर्फ अच्छा चारा खिला बल्कि इसका ख्याल भी रख। ये आपके अखलाक ही थे कि जो सिर्फ जानवर पर ही ना थे बल्कि नबातात भी आपकी शफकत के जेरे साया थे। आप जिस सरस के साये में खुतबा दिया करते थे, एक मरतबा जब वो मिंबर तामीर हो गया तो आपने मिंबर पे खुतबा देने के बाद फरमाया कि आज ये दरख्त रो रहा है, आज ये दरख्त उदास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का एतराफ ना सिर्फ मुसलमान ने किया बल्कि गैर मुसलमों ने भी किया। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुनिंदा है जिसमें 10 कामिल शख्सियात की फहरिस्त दी गई है। इसमें सबसे टॉप का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। एक अंग्रेज अपनी किताब द हीरोज में लिखते हैं कि मोहम्मद ऐसा हीरो है कि जब वो फलसफे के मैदान में आता है तो अव्वल है, वो सिफा सलार के मैदान में आता है तो अव्वल है, वो मैनेजमेंट के मैदान में आता है तो अव्वल है, वो तबीब के रूप में आता है तो अव्वल है, वो लीडरशिप के असूलों पे आता है तो अव्वल है, गर्ज हर मकाम पर अव्वल ही अव्वल है। और इसी तौर पर मैं तकरीर का इख्तिताम इन आशार से करना चाहूंगा। जो नबी से मेरे आशना हो गया, जो नबी से मेरे आशना हो गया, उसका दिल आईना हो गया, कह रहा है खुदा खुद ये कुरान में, जो नबी का हुआ वो मेरा हो गया। और मेरे आका के कदमों की अजमत है ये कि जिस तरफ चल दिए रास्ता हो गया। आप कहाँ मेरी जात कहाँ, मेरी जात कहाँ, मेरी जात कहाँ, आप कहाँ मेरी जात कहाँ, ये लब और उनकी बात कहाँ।